हाँ जी, ये पहाड़ हो गया, उसके पीछे वाला रेस्ट वाला है ना, उसके ऊपर पाकिस्तान का है। अच्छा जी, हाँ जी। सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वंडरलस्ट अनुज, एंड सबको सलाम नमस्ते एंड जोहार। सो आपने यहाँ का नज़ारा देखा हम लोग का होटल का, यहाँ का जहाँ हम लोग ने डिस्किट में लिया था, एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। भाई आज तो डे कितना है वो तो नहीं पता हम लोग को, झारखंड से निकले हुए, रांची से निकले हुए कितना डे हो गया है, पर इतना पता है कि हम लोग कल डिस्किट मॉनेस्ट्री और बुद्धा का स्टैचू कवर किए थे। आज हम लोग यहाँ से डिस्किट से निकलेंगे, तुरतुक विलेज निकलेंगे, त्यासी विलेज है वहाँ निकलेंगे। सो भाई आज का भी ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है भाई। सो आप लोग को लद्दाख की राइड में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का ये रांची से लद्दाख तक का ये राइड है। सो चलो आगे इन्जॉय करना, अभी 8:30 हो रहे हैं, हम लोग को जल्दी से निकलना है, बस फट से गेयर अप होना है, जो भी है राइडिंग पैंट राइडिंग जैकेट वो सब पहनना है। और आज हम लोग अपना लगेज नहीं कैरी कर रहे हैं, यही होटल पर छोड़ दे रहे हैं, उधर घूम के आएंगे वापस, फिर हम लोग यहीं रुकेंगे डिस्किट में, क्योंकि रूट यही रूट से जाना है, जो रूट से हम लोग गए थे डिस्किट हंडर आएगा, फिर वापस यही रूट से आना है हम लोग को। तो ये गॉगल्स कैसा लग रहा है बताओ, ये है सूरज का गॉगल्स है, मैंने कैरी किया है ब्लॉग बनाने के लिए। सो भाई लोग देखो अभिनव बैठा हुआ है, और ये रहा हमारे होटल से इधर का नज़ारा, सामने का नज़ारा देखो क्या खूबसूरत है, वहाँ पे बुद्धा का स्टैचू है, और वो रहा मॉनेस्ट्री, वहाँ कल गए थे हम लोग। और ये रहा हमारा होटल का व्यू, हमारा रूम उधर है कोना में। सो गाइज, हम यहाँ से निकलने को तैयारी, हमारा गेस्ट हाउस ये था थाचुंग गेस्ट हाउस डिस्किट में, थाचुंग गेस्ट हाउस। तो आज हमने ज़्यादा लगेज कैरी किया नहीं है। आप लोग डिस्किट से निकलोगे तो हुंडार यहाँ से 7 किलोमीटर है, और उसके बाद वहाँ से 88 किलोमीटर है तुरतुक विलेज, मतलब लगभग आज हम लोग को 95 किलोमीटर जाना है तुरतुक, फिर त्यासी वहाँ से 7-8 किलोमीटर है, और फिर हम लोग को वापस भी आना अपना होटल, तो लगभग 200 किलोमीटर की राइड होने वाली आज की हम लोग की। यहाँ पर कल शाम में हम लोगों ने लिया था पेट्रोल, देख सकते हो ये डिस्किट का लास्ट पेट्रोल पंप है, इस साइड अगर आप आते हो नूबरा वैली तरफ तो यहीं पर पेट्रोल पंप। जब हम लोग यहाँ से पेंगयोंग निकलेंगे भाई, तो तेल यहाँ से हम लोग को जेरी कैन में भी कैरी करना पड़ेगा। सो भाई जो डिस्ट्रिक्ट है सी लेवल से वो 10,350 फीट पे है, मतलब आज हम लोग ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पर नहीं रहने वाले हैं, और हुंडार भी है 10 के आसपास में, तुरतुक है वही 9.5-10 के, मतलब इतने ही आज रहने वाले हैं सी लेवल से ऊपर, तो ज़्यादा आज ठंड लगने वाला नहीं है हम लोग को। कल हम लोग ले में थे 11,000 में, 11,000 कुछ फीट पे थे, फिर सीधे 18,000 फीट पे भाई, जो ठंडा था कल की, खरदुंगला पास की स्नोफॉल भी होने लगी थी भाई, फिर बाद में खरदुंगला पास जैसे पहुंचे उसके बाद मैंने ग्लव्स व्लव्स डी कैसोन का निकाला, सॉक्स पहना, मतलब तब जाके थोड़ा राहत हुई, आर्मी की वहाँ कैंप थी, मतलब वहाँ जाके हाथ वाथ सेका, तब जाके हुई है भाई, ऐसे ऐसे तो बात है। और आपने भाई देखो रेगिस्तान देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, और रेगिस्तान भाई यहाँ भी है। सो देख सकते हो पूरा रेत ही रेत है, जो मेरे राइट साइड में आप लोग दिख रहा है, कल हम लोग डिस्किट पहुँच रहे थे उससे पहले भी रेत था पूरा। और ये वो जो गांव दिख रहा है वहाँ पर है भाई हंडर, जहाँ पर डबल हम कैमल मिलेगा हम लोग को। देखो भाई रेत रेत तो ये दिख रही है मेरे चारों ओर, पर ये नहीं पता कि भाई इससे घर बनाया जाता है कि नहीं, वो बालू है कि नहीं है वो नहीं पता, क्योंकि बहुत महीन बालू दिख रही, बहुत महीन है।
सो देखो भाई हंडर है इधर राइट साइड में साइन मारा हुआ है, थोसे ही हम लोग को थोसे ही से जाना है। ये हंडर ब्रिज है ऊपर में, देखो भाई क्या बनी हुई है ऊपर में पता नहीं। सो ये सब जो भी बनी हुई है ना भाई, तो ये सब महात्मा बुद्ध की जो पूजा करते हैं, मोनेस्ट्री भी गए थे वहाँ भी टेंपल थी, तो ये सब उन्हीं लोगों ने बनाया है। ये सब छोटे छोटे देख लो इतना ऊपर में कैसे बनाए हैं। सो भाई देखो कितनी अच्छी लग रही है, सारे टूरिस्ट जो गाड़ियाँ हैं एक साथ जाती हुई सामने, हम लोग भी टूरिस्ट हैं भाई पर बाइक पे है, झारखंड से आए हैं। डोंट गॉसिप लेट हिम ड्राइव, या भाई ऐसे ऐसे रोड के किनारे बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से थोसे ही है 10 किलोमीटर, सो भाई लोग देखो वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा इधर से पानी आता हुआ ये पहाड़ से, ये बहुत सब यहाँ भी वाटर क्रॉसिंग है भाई। ये यो 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 यो, अरे भाई पानी तो है यहाँ अच्छा खासा है, यो पानी पानी ही जाएगा, अपुन पानी से नीचे नहीं उतरेगा। फर्स्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव, या यहाँ पर ऐसे बहुत सब कैंप है जहाँ पर लिखा हुआ है सियाचिन वॉरियर, बहुत से लोगों की आर्मी लोगों की फ़ोटो भी बनी हुई हमारे इंडियन आर्मी की। सो इसलिए कैंप आ रहा तो मैं कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, आगे भी देखो कैंप है। गांव वाले लोग यहाँ पर कुछ शायद धोते हैं कि क्या करते हैं, साफ करते हैं, पानी तो है भाई। अच्छे लोग नाला बना रहे हैं शायद उधर पानी जाने के लिए। क्या नज़ारे हैं भाई, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। सुबह से हम लोगों ने देखो चाय वाय पिया नहीं है, बस खाया था चना, खाया था फुला के रखा था रात में चना बादाम, और घर से जो हम लोगों ने झारखंड से ठेकवा लगाया था वही खाया। तो अभी टाइम है चाय पीते हैं। अभिषेक और सूरज भी वो लोग भी पीछे है क्योंकि उन लोग का पीछे का ब्रेक शू वो पूरा घिस गया था, तो ब्रेक शू वो लेके आया था। मैं भी अपना एक बार चेक कर लेता हूँ ब्रेक शू, मेरी तो ठीक है भाई। अंडा का कलर देखो, मुझे लगा भाई ये बत्तख का अंडा, लेते अंकल बोले कि नहीं ये मुर्गी का ही अंडा है। और यहाँ की चाय जो है ना भाई, अभी नौ चाय पी रहा है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी चाय है। सो अभी इसको खाते हैं, एक तो 10 रुपया में एक है। सो भाई यहाँ जो कोई ऐसा नियम है ना, अंडा वहाँ रखा हुआ है, अंडा लो खुद छिलो, वहाँ नमक रखा हुआ है खाओ छिल के नहीं मिलने वाली। वाओ क्या नदी है, यहाँ पर अभी हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर देखो भाई रास्ता ख़राब है कुछ दूर, और भाई एकदम सीधी खड़ी पहाड़ है देखो। सो भाई देखो क्या ब्यूटीफुल रिवर है, सच में भाई क्या नज़ारे हैं, ऑसम। अरे भाई ये पहाड़ को देखो यार, ये पहाड़ तो ऐसे निकले हुए हैं कि पूछो मत ये पहाड़ देखो भाई कैसे निकले हुए हैं भाई, और दरारें आई हुई है पहाड़े में, भाई गिरना मत मेरे ऊपर। थोड़ा सा ऑफ रोड है भाई, बड़ी बड़ी पत्थरें हैं। बहुत बड़ी बड़ी पत्थरें हैं भाई। चलो पार हो गई ये सेशन, आगे रास्ता ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग जा रहे हैं, अगर ज़्यादा बारिश हो जाने से ये ज़्यादा जो पत्थर है वो लुढ़क के रोड में आ जाती है। सो आशा करते हैं कि हम लोग जब आए वापस बारिश ना हो।
सो भाई देखो यहाँ का लैंडस्केप कुछ और है भाई, सच में समझ में नहीं आता कि कहाँ का कैप्चर करूँ कहाँ का नहीं करूँ। मन तो करता कि सारा कैप्चर करके ले जाऊँ घर में जाके आराम से देखूँ फिर भाई कि ऐसे ऐसे जगह मैंने राइड की है। सो अभी पानी का धार देखो ये नदी का सियोक रिवर का बहुत ज़्यादा है, अभी ये सीधे सीधे पाकिस्तान में चल जाती है ये रिवर। अंदर में गुफा यहाँ बना हुआ है गुफा जैसे, तो लोग यहाँ पिकनिक बनाते हैं। आग के लपटे की दाग लगी हुई है। तो भाई लोग ये ब्रिज देखो, शायद हमें यही ब्रिज से होकर पार होना है। सो लगता है एक बार में एक ही गाड़ी पार होता है। देखो एक गाड़ी पार हो रही है और दूसरी गाड़ी रुकी हुई है जो ट्रेवलर है भाई। लकड़ी का ब्रिज है भाई, वीक ब्रिज लिखा हुआ है, वन व्हीकल एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक ही व्हीकल जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले। ओ भाई भाई साहब खबड़ खबड़ खड़बड़ खड़ पटरे की आवाज आ रही है पूरी, डर लग रही भाई, गिरना मत टूटना मत, तो पानी के धार देख रहे हो ये अद्भुत नजारे हैं भाई अद्भुत। सो भाई लोग लास्ट एक और चेक पोस्ट था जहाँ पर हम लोग का ILP चेक हुआ, एक कॉपी हम लोग ने सबमिट कर दिया और लिखा हुआ था सियोक, वहाँ से लिखा हुआ था सियोक वार मेमोरियल 1.5 किलोमीटर, शायद आगे है वार मेमोरियल, एक सियोक वार मेमोरियल है। सर आप फोटो खिंचा सकते हैं? ये तुरतु किधर जाएगा भैया? सीधे है। अच्छा ऊपर क्या है? ऊपर ये गांव दो गांव है ना इधर। अच्छा दो गांव है, ये कौन सा गांव है? अच्छा बोंगदांग, हाँ हाँ लिख रहा था 25 किलोमीटर। अच्छा तुरतु 25 किलोमीटर, ठीक ठीक थैंक यू। सो एक देखो इधर भी वाटरफॉल है छोटा सा, पानी आता हुआ, बाप कितना कितना प्रेशर है देखो। अपन लोग चलते हैं क्योंकि 12 बज चुका है, 12:10 हम लोग को वापस भी आना है। सो भाई आप देखो पुल देखो, ये ब्रिज देखो, पैदल पार करने के लिए उस पार नदी के उस पार, हैंगिंग ब्रिज भाई।
हॉर्न का साइन बना हुआ है, ब्लाइंड टर्न है, हॉर्न मार के चलो वही अच्छा है। ये तो लग रहा भाई कोई दूसरे दुनिया में आ गए यार। हाँ तो हमें फिर से ये नदी पार करना है, सेयोक रिवर। सच में इस रोड के लिए ब्रो को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। तुरतुक विलेज है, एक त्यासी विलेज है जो लास्ट है, और फिर एक थांग विलेज है। तो मुझे यहाँ जहाँ तक आइडिया है कि त्यासी विलेज तक हम लोग को जाने मिलेगा लास्ट तुरतुक के बाद। थांग विलेज शायद जाने को नहीं मिलता है कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। थांग वो इंडिया में ही पड़ता है लेकिन जाने को नहीं मिलता है। ऐसा वाला सीन देखने में बहुत मज़ा आता है। बारिश भी वही शुरू हो गई है। काराकोरम टू कन्याकुमारी, भारत इज वन। यस भाई, भारत इज वन। चाहे काराकोरम से कन्याकुमारी हो, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, द भारत इज वन। तुरतुक वैली रेस्टोरेंट भाई, हमारा स्वागत भी हुआ है बारिश के साथ। हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं तुरतुक। यह है तुरतुक भाई, तुरतुक विलेज। भाई लोग, भैया लोग मिले थे मुझे तुरतुक विलेज से। अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम प्रदीप सिंह संधु। अच्छा, ये पंजाब से है और ये आप मूसा के लिए। अच्छा अच्छा, तो आप लोग का वेलकम करते हैं मेरे चैनल पे, वंडरलस्ट अनुज पे। और भैया लोग यहाँ बता रहे थे तुरतुक विलेज हम लोग पहुँच गए, लेकिन जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ से 500 मीटर जाके ऊपर जाना पड़ेगा। क्या क्या भैया एक बार आप बता दीजिए। वहाँ पे आपका वाटर मिल है। अच्छा, वाटर मिल है। म्यूजियम है। म्यूजियम है। पोलो ग्राउंड है। पोलो ग्राउंड। म्यूजियम एक दो नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट है, देखने लायक है। गांव भी देखने लायक है। मॉनेस्ट्री है। मॉनेस्ट्री है। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग से मिल के। आपके लिए थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। तो भाई लोग, अभी हम लोग पहुंच गए हैं तुरतुक विलेज, देख सकते हो। ये अभी हम लोग जहाँ पर जो भैया लोग से मिलवाए थे, प्रदीप भैया लोग ने हम लोग को चाय पिलाया, चाय इन्वाइट किया। थैंक यू भैया, प्रदीप भैया थैंक यू। इस तरह का पहाड़ से पानी आता हुआ आप लोग देख सकते हो, जो कि फिर सेयोक रिवर में मिल जाएगा। तो भाई लोग, एक पंगा हो गया था, अभी पंगा क्या बोलेंगे, मैंने मास्क लगाने भूल गया था, तो मेरा 500 रुपये अभी फाइन कट जाता। पर मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मेरा बाइक में ही मास्क है, तो सर ने छोड़ दिया। जो सामने आप लोग देख रहे वही सर देख लीजिए, ये सर। चलो थैंक यू सो मच सर, छोड़ दिए। देखो ये जो ब्रिज दिख रहा है, अभी हम लोग इसके वो चढ़ के उधर जाएंगे। उधर शायद मॉनेस्ट्री है कुछ है, सारे लोग उधर ही जा रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग भी। आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स मिल जाएगी, देख लो। इन पहाड़ों के बीच में कितना खूबसूरत सा गांव हमारा तुरतुक बसा हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं, म्यूजियम है आगे शायद। ओए सो देखो भाई, गेहूं की खेती की गई है, देख सकते हो आप लोग। और एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी है यहां पर। सो आगे एक फ्रीजिंग पॉइंट है, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। उधर आगे से राइट जाया जाता है। सो देखो कितना साफ पानी बहता हुआ, देखो। सो देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, बाल्टी किचन। तुरतुक गांव की हरियाली देखो, खेत हरे हरे दिख रहे हैं। मुझे खेतों की आइडिया उतना है नहीं, क्या क्या लगा हुआ है। इतना पता है कि गेहूं लगी हुई है, इधर देखो पत्ता गोभी लगा हुआ है, इतना तो पहचानता हूँ। ये पत्ता गोभी है, ये क्या है, ये मिर्चा हो सकती है। मजा आ रहा है गांव घूम के भाई लोग, सच में।
गर्मी लग गया, लेकिन रेनकोट पहना हुआ, हल्का हल्की बारिश भी हो रही है। झूले पता नहीं। सो भाई आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंडो पाक बॉर्डर व्यू। अगर यहाँ से बाया जाते तो इंडो पाक बॉर्डर व्यू दिखेगा। सो पहले मॉनेस्ट्री जाते हैं, फिर देखते हैं इंडो पाक बॉर्डर व्यू। ओल्ड पोलो ग्राउंड है यहाँ, और मॉनेस्ट्री है, वाटरफॉल है। सो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, देखो म्यूजियम है। कितना चार्ज है टिकट के? मॉनेस्ट्री कहाँ पे होगा? मॉनेस्ट्री यहाँ से जाके फिर पोलो ग्राउंड से स्ट्रेट जाएंगे। अच्छा, ज्यादा दूर है क्या? नहीं, 15-20 मिनट लगेगा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? अगर आप म्यूजियम आते हैं तो देखो विजिटिंग चार्ज है वो 50 रुपया की है। और सुनो अपना सर बचा के, अगर आप लंबे हो जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा हाइट इतना लंबा है। ये गुलेल है लग रहा है, देखो देख सकते हो, पुराना जमाने में जैसे रहती थी। देखो इसको खोल और इस पुराने जमाने के जूते रखे गए हैं। देखो भाई कपड़े हैं यहाँ, कुछ ये भी कपड़े हैं। देखो ये कुछ खाल है, ये शॉल हो गया देख लो, और इधर देखो कपड़े हैं। ये हो गया ना, आग जला लेते हैं यहाँ पे, तब यहाँ से फूंक मारते हैं इसको, हवा मारते हैं, इससे हवा मारते हैं। तब यहाँ पे हल्का सा घास लगाते हैं, लकड़ी लगा देते हैं, उससे ये जला दीजिए। बाकी यहाँ पे देख लीजिए सर, ये पूरा पत्थर का है। यहाँ पे खाना बहुत टेस्ट होता है सर इसमें। तो पहले ज़माने में ना बर्तन कुछ नहीं थे, तो अपने हिसाब से कुछ करना होता, तब पत्थर का बनाए गए फर्स्ट। बाकी जो पत्थर की बात जो आया सर, ब्रास के ऊपर जो भी है ना, ये यहाँ पर बनाए गए सर। यहाँ पर जो बॉल यूज़ होते थे सर, ये उसके लिए जो खाना बनाने के लिए यूज़ होते थे, ये बॉल कश्मीर की स्पेशल। हाँ, इसमें चाय है ना, नमकीन एक दूसरा होता है, नून चाय, पिंक कलर एक चाय होता है, वो बना लेते हैं यहाँ पे। इसमें ना बनाने का डिजाइन ये है, इसमें पहले पानी लगाते हैं सर, इसमें चाय इसमें लगा देते हैं, इसमें कोयला लगा देते हैं। कोयला लगाने के बाद यहाँ पे आ जाता है, कोयला यहाँ पे आ जाता है, तब इसको हवा लगता है ना, तब ये हवा लगने पे ये गर्म रहता है सर। इसको बंद कर दो। पाशिंग, पा मीन्स डिज़ाइन, शिंग मीन्स वुड, पाशिंग मतलब इसको है ना सर। हमारे यहाँ पे शादी होगा ना, तब ऐसे डिज़ाइन का जब पूरी बना, डो बनाने के पूरी रोटी बनाने के बाद ये लगा देते हैं, इसके ऊपर लगा देते, तब ये साइन जो है, ये जो आएंगे ये इस पे आ जाए, तब तो वो शादी का है। एक दूसरा होता है ईद का, कोई बच्चा पैदा होने का, ऐसे 7 टाइप का होता है, ऐसे बना लेते सर, उसको गाँव वाले को बांट लेते सर। ईट्स और बांटने क्योंकि ना ये जो फैमिली था, ये फैमिली जो था ना सर, ये देख लीजिए वीट्स और बार्ले, इसमें स्टॉक करते थे सर हम, जिसको जरूरत होती थी या खुद को लेना होता था यहाँ से देते थे सर। हाँ, स्टोरेज है सर। हाँ सर। सो भाई हम लोग तो म्यूजियम तो घूम लिए, पर मॉनेस्ट्री यहाँ से काफी दूर है, मतलब 200-300 मीटर है, तो हालत खराब हो जाए। इधर से चल, इधर से। हेलो, हाय, नाम क्या है तुम्हारा? फातिमा। वाह, गुड नेम। बाय बाय। नहीं गिरा। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं है तुम्हारा नाम? शैना परवीन। सलीना। शैना परवीन। 20 रुपीज। बाय। सो भाई लोग देखो, चलते चलते हम लोग को मिली तूत की पेड़ मिली है, कितनी गिरी हुई पहले देख लो। देखो भाई ये तूत है, इतनी मीठी तूत ना भाई, बहुत मीठी है।
तब गुलाब जामुन आप खाओगे ना भाई, उसका जैसा मीठा है भाई, सही बता रहा हूँ। अच्छा वो मतलब फ्रिज जैसा है, वहाँ स्टोरेज करते हैं वो म्यूजियम के नीचे है क्या? बहुत हम लोग को झुक के आना पड़ रहा है, मैं सर मैं सीधा खड़ा भी नहीं सकता हूँ, अंदर कोल्ड है। हाँ ठंडा है अभी। अच्छा जैसे बाहर गर्मी होती है तो अंदर सर्दी रहती है। अच्छा अच्छा इस चेंबर के अंदर, अंदर जब जब बाहर सर्दी होती है तो अंदर गर्मी रहती है। अच्छा तो इस तरह टेम्परेचर वेरीज होता है, तो इसीलिए हम हमारी जो हमारे घर की चीजें मक्खन या वूल की चीजें जो आप लोगों ने म्यूजियम में देखा, लेदर कोट बूट सब कुछ इसमें रखती है। अच्छा अच्छा जी। तो ताकि खराब ना हो जाए, और बाकी ग्रीन या पीस मटर जो हमारी रिसोर्स है उन सबको यहाँ स्टोर करके रखती है। अच्छा जी। जुले सर, जुले वो बता रहे थे जैसे हम लोग के घर में फ्रिज होता है, हम लोग फ्रिज की यूज करते हैं कुछ स्टोरेज करने के लिए, कुछ चीज खराब नहीं हो खाना वाना, तो वो नेचुरल फ्रिज है कि जो भी वहाँ खराब होने की चीज होती है वो वहाँ पर डाल देती है। सो ये चीज दीदी ने बताई। आपका नाम? मोहम्मद बशीर। अच्छा ये जो ऊपर आप बोल रही है पाकिस्तान, इस साइड का इंडिया का है। अच्छा ये बादल छाए हुए हैं, बादल, लेकिन जो रेस्ट वाला है माउंटेन है उसको ज्यादा सा मतलब उससे वहाँ से बल्तरो नजर आते हैं, पर माउंटेन नजर आते हैं। अच्छा माउंटेन है। हाँ, वो पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ही। अच्छा वो तो अभी बादल की वजह से नजर नहीं आ रहे। आपको जो इसके पीक का चोटी है ना। हाँ जी। ये पहाड़ हो गया, उसके पीछे वाला रेस्ट वाला है ना उसके ऊपर पाकिस्तान का है। अच्छा जी। ये जो दिख रहा है ये इंडिया का, इसके पीछे जो है वो पाकिस्तान का बॉर्डर है। वहाँ से अभी मेन बॉर्डर में अभी बादल छाए हुए, इस तरफ प्लेन ही नजर आता है, जब धूप होता है ना उस टाइम नजर आते हैं, वहाँ से नजर आएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं जैसे कि आप लोग को बताया था इंडो पाक बॉर्डर यहाँ से दिखता है, तो अभी तो बादल छाए वो इसलिए नहीं दिख रहा है, देखो चारों ओर मेरे बादल छाए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। भाई हम लोग मोनेस्ट्री नहीं कवर कर सके क्योंकि मोनेस्ट्री यहाँ से भाई 500 है, मतलब आधा किलोमीटर है, और मैं राइडिंग पेंट के साथ भाई चलना बहुत दिक्कत हो रहा है, और बारिश भी हो रही है, हेलमेट भी पकड़ा हूँ देखो, सो इसलिए मॉनेस्ट्री में छोड़ रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि 3 बज चुकी है।